तो बच्चों आज हम करेंगे सेक्शन बी प्री बोर्ड पेपर एट में। तो प्री बोर्ड पेपर एट में हम सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं अपना, अब हम करेंगे इसमें सेक्शन बी। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड आता है आपको, हमने तीनों मेथड सीखे हैं, डायरेक्ट मेथड और फिर क्या है हमारा एज्यूम मीन मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्टकट मेथड कहते हैं, और फिर सबसे लास्ट में आता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये सभी मेथड हमने किए हैं, कैसे करते हैं देखो इसको क्विकली देख लेते हैं। वैसे हमने इस टाइप के सभी क्वेश्चन चैप्टर नंबर फोर में कराए हैं, तो इनको आप इजीली वैसे कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम देखो इसको देख लेते हैं। तो देखते हैं इसका सबसे पहले टेबल। टेबल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी आई क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको हम। फिर इसमें क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80, ये है। ओके अब हम देखेंगे इसमें क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10, फिर यहाँ पर 6, 8, 12 और 5 एंड यहाँ पर 9। नाउ अब करते हैं इसमें क्या, इसके बाद हम क्या करते हैं देखो, इसके बाद हम करते हैं एक्स फाइंड। इसका एक्स फाइंड एक्स को क्या बोलते हैं इसका क्लास मार्क। एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं देखो, एक्स को हम क्या बोलते हैं क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आप, दोनों क्लास इंटरवल इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट, इसको हम लोअर लिमिट और इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं बड़ी वाली वैल्यू को। अब इन दोनों को प्लस करोगे 50 और 50 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 25। यहाँ पर 30 40 कितना होगा हमारा 70 और 70 को डिवाइड करोगे 2 से 35। देखो यहाँ पर क्लास इंटरवल में जितना भी गैप होगा, जितना क्लास साइज होगा हमारा, अगर ये 10 का साइज है तो यहाँ पर भी 10 का ही डिफरेंस आ रहा होगा। यहाँ पर मिल रहा होगा आपको 45, यहाँ पर 55, यहाँ पर 65, 10 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर 75। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से इसको। फिर हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें देखो इसमें हमें फाइंड करना होता है I, इसमें क्या करते हैं एफ आई यू आई फाइंड करते हैं, यू फाइंड करते हैं जिसको हम यहाँ पर टी बोलते हैं। वैसे आईसीसी में इसको टी बोलते हैं, सीबीएसई में हम इसको यू बोलते हैं, लेकिन हम सबसे पहले करेंगे इसके लिए डी फाइंड। और डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं एक्स माइनस ए। ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन हम यहाँ पर किसी भी वैल्यू को लेट कर लेते हैं, जैसे हमने इसको लेट किया 45 को भी लेट कर सकते थे, हम मिडिल में से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हमने ए क्या है हमारा 55, तो आप 25 माइनस 55 करोगे कितना आएगा, 25 माइनस 55 करोगे आएगा माइनस 30। माइनस में होगा क्यों, कि आप क्या कर रहे हो भाई छोटी वाली वैल्यू में से बड़ी वाली वैल्यू माइनस कर रहे हो। यहाँ पर इन दोनों को माइनस करोगे माइनस 20, यहाँ पर माइनस 10, यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि सेम वैल्यू सेम में से कैंसिल कर रहे हैं, फिर यहाँ पर 10 और यहाँ पर ये 20। नाउ अब हम इसमें फाइंड करेंगे क्या, डी फाइंड करने के बाद फिर इसको आई से डिवाइड करते हैं तो हमारा टी आता है। टी के लिए क्या करते हैं डी अपॉन आई। आई क्या है यहाँ पर देखो, आई यहाँ पर है क्लास साइज, सीबीएसई में इसी को हम किससे करते हैं एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई है हमारे पास क्लास साइज, क्लास साइज है 10, तो आप इन सभी को क्या करो 10 से डिवाइड करो डी वाली वैल्यू को। इसको 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3, ये माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 एंड 2। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी हमारी, और हमें से विदाउट एनी कैलकुलेशन विदाउट एनी मल्टीप्लीकेशन किए बिना हम इसको देखो डायरेक्टली कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं एफ और टी फाइंड करते हैं। एफ टी का मतलब है एफ और टी की मल्टीप्लाई, एफ और टी की मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस 30 आ रहा है, यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर ये 2 की मल्टीप्लाई करोगे 6 टू से 12 माइनस में 8 और 1 माइनस में 8, 12 और 0 0, 5 और 1 1, 9 टू जा 18, ये आ जाएगा इसमें सिंपल। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे। देखो इन सभी को प्लस करते हो क्या होगा सिग्मा एफ टी, इन सभी को प्लस करो कितना आएगा, ये आ रहा है 20 और 20 और 30 आ रहा है माइनस 50 और ये आ रहा है हमारा 19। ये हमने कुछ मिस्टेक किया है यहाँ पर, मिस्टेक किया देखो 5 बन जा 5, यहाँ पर 5 होता, ये मिस्टेक अवॉइड करना आप, देखना इनको ध्यान से कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। 8 वन जा 80 होगा माइनस का 8, 6 टू जा 12 ठीक है 10 30, 12 0 0 5 1 5 होता और 9 टू जा 18 करेक्ट है। 8 5 13 मीन्स कितना होता 23, ये होता हमारा 23। ओके अब इन दोनों को माइनस करेंगे हम कितना मिल रहा है आपको, तो हमें मिल रहा है ये माइनस में ही कितना 27।
27 मिलेगा माइनस में, क्योंकि माइनस का 50 ग्रेटर है यहाँ पर। नाउ अब हम इसमें फाइंड करेंगे, पहले इन सभी को प्लस कर लेते हैं हम, सिग्मा एफ बोलते हैं इसको हम। तो सिग्मा एफ कितना आ रहा है देखो, 10 और 6 16, 16 और 8 ये आ गए 24, 24 एंड 12, 24 और 26, 36, 36, 36 एंड 5, 36 एंड 5 हमारा कितना आ गया ये 41, 41 और 9 50, ये आ रहा है 50। सिंपली बस यही हमें चाहिए होता है। और यहाँ पर जो मीन फाइंड करते हैं स्टेप डेविएशन से, तो क्या करते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन में सिग्मा एफ और इनटू में आई भी करते हैं इसमें, और शॉर्टकट मेथड में ये आई यूज नहीं करते बस। अब ए हमने लेट किया था किसको, 55 को, तो ए लेंगे यहाँ पर 55। नाउ एफ टी की वैल्यू आ रही है -27, सिग्मा एफ आ रहा है 50 एंड आई की वैल्यू आ रही है 10। 5 से 5 0 0 कैंसिल किया, यहाँ पर आ रहा है 55, और 5 से इसको डिवाइड करोगे आप कितना आएगा आपका, 5 4 जब 5 5 जब 25, ये प्लस माइनस माइनस, 5 5 जब 25 2 कैरी आएगा, 5 4 जब 20। आप माइनस करो 55 में से 5.4 माइनस करो, कितना मिलेगा माइनस करने पर, 10 में से 4 6 और यहाँ पर 9 मिलेगा आपको, और 9 4 4 मिलेगा, 1 कैरी लेंगे 14 में से 5 9 और यहाँ पर 4, तो 49. कितना हो जाएगा ये 6, यहाँ पर आएगा 49.6। ये वैल्यू होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ये मीन फाइंड करना था हमें स्टेप डेविएशन से। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्टेड रुपीज 8000 इन 7% रुपीज 100 शेयर एट रुपीज 80, कि भी 100 रुपीज का शेयर है जो 80 पर अवेलेबल है, इस पर मिस्टर राम गोपाल ने इन्वेस्ट किए 8000 एंड आफ्टर अ ईयर ही सोल्ड दीज शेयर्स एट रुपीज 75, और कुछ साल बाद वो 75 पर इनको सोल्ड कर देते हैं एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड, और जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको आगे वो यूज करते हैं इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, जो उन्हें डिविडेंड मिला है पिछले साल उसको लगाकर जो पहले वाली मतलब जितने भी शेयर को सेल करके उनको पैसे मिले हैं अमाउंट मिला है उनको वो इन्वेस्ट कर देते हैं 18 रुपीज़ वाले शेयर में जो 25 का शेयर है लेकिन वो 41 पर अवेलेबल है। फाइंड करना हिज डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर, उसका डिविडेंड फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा एंड हिज एनुअल इनकम इन सेकेंड ईयर और फिर परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा बुक का लग रहा है, तो ये बुक में भी है शायद, हाँ हमारा बुक में है ये इसी टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड में, तो इसका सेकंड देखेंगे अब हम, तो ये एग्जांपल का है शायद क्वेश्चन, तो इसमें देखेंगे हम सेकंड वाला। तो सेकंड में देखेंगे मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्टेड रुपीज 8000, कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है उनकी 8000 रुपीज। ओके यहाँ पर डिविडेंड उन्हें मिल रहा है 7%, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू क्या है 100 रुपीज शेयर की, और मार्केट वैल्यू क्या चल रही है उसकी 80 रुपीज। अब इस पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बताओ यहाँ पर उन्हें कितनी इनकम मिलेगी, आफ्टर अ ईयर उन्हें कितनी इनकम मिलेगी इनकम के लिए, या फिर हम क्या कह सकते हैं डिविडेंड के लिए। यहाँ पर हमारी इनकम क्या है, हमारा डिविडेंड, या हमारा रिटर्न क्या है, हमारा डिविडेंड। तो यहाँ पर देखो डिविडेंड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड हो जाएगा, पहले हम इसमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स कि उसने कितने शेयर्स खरीदे, सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि भाई 8000 में उसे कितने शेयर मिलेंगे, जितने मार्केट में वैल्यू अवेलेबल होगी इतने। यहाँ पर मार्केट में वो शेयर हमारा कितने रुपए में अवेलेबल है 80 रुपीज़ में, तो 80 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल जाएंगे कितने, यहाँ पर मिल रहे हैं 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स उसने खरीदे थे कितने रुपीज़ में, 8000 में। अब उस पर उसे डिविडेंड कितना मिलेगा, देखो अगर हम डिविडेंड फाइंड करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर रेट ऑफ डिविडेंड, देखो रेट ऑफ डिविडेंड लिख दो या डिविडेंड परसेंट, इनटू में गया यहाँ पर इनकी नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 100, डिविडेंड कितना 7%, 7/100, और नॉमिनल वैल्यू कितनी शेयर की 100 रुपीज़, तो यहाँ पर 100 ले लेंगे, 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो इसे डिविडेंड कितना मिल रहा है, उसकी इनकम कितनी है यहाँ पर 700 रुपीज़ आफ्टर अ ईयर। आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसमें आगे क्या बोल रहा है कि भी ये जो शेयर्स उसने खरीदे थे
इन शेयर्स को वो आगे कितने रुपीज में बेचता है, 75 रुपीज ईच। एक शेयर अगर वो 75 का सेल करे तो उसे कितना मिलेगा ये बताओ। तो भाई हम उसके पास 100 शेयर्स थे, अगर उसके पास 100 शेयर्स थे, अब वो उनको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो अब उसे अमाउंट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो उसे उसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 100 रुपीज शेयर करने के बाद। 75 का शेयर कितने का, 100 का उसने सेल किया, 100 शेयर्स उसने सेल किए क्योंकि उसके पास 100 शेयर्स थे, तो ये आ गए इसके पास 7500 रुपीज़ आ गए। लेकिन आगे जब वो इन्वेस्ट कर रहा है इन अमाउंट को, इस अमाउंट को, तो उसमें इंक्लूड कर रहा है उसका डिविडेंड। उसको डिविडेंड कितना मिला था, डिविडेंड मिला था उसको 700। तो अब उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, न्यू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई न्यू इन्वेस्टमेंट कितना होगा इसका, 7500 तो ये, और प्लस में कर दो 700, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8200। ओके, ये हो जाएगा 8200 रुपीज़, ये हो गया हमारा 8200 रुपीज़। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो, कि अब इसे इन्वेस्ट कर रहा है कितने में, डिविडेंड परसेंट जहाँ पर इसको मिल रहा है 18%, और यहाँ पर हमारे शेयर्स की मार्क नॉमिनल वैल्यू है 25 रुपीज़, एंड यहाँ पर इसकी मार्केट वैल्यू है क्या, 41 रुपीज़। अब बताओ अब इसको कितना डिविडेंड मिलेगा, या फिर अब इसकी इनकम कितनी होगी। तो देखो यही इसका इनकम, डिविडेंड और रिटर्न होगा कितना। देखो डिविडेंड अगर निकालेंगे, जैसे इसमें निकाला था हमने, इसमें फाइंड किया था, यहाँ पर इसे डिविडेंड मिलेगा क्या, नंबर ऑफ शेयर्स डिविडेंड परसेंट इनटू में नॉमिनल वैल्यू। देखो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है इस बार, अब 100 नंबर ऑफ शेयर्स मत लेना, क्यों, क्योंकि अब उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया किन वाले शेयर में, इन वाले शेयर में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, और डिवाइड में क्या कर देंगे, मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू पर ही परचेज करते हैं हम शेयर, तो कितना हो जाएगा हमारा 200। तो इस बार उसके 200 शेयर्स हो गए, इस अमाउंट में उसने 200 शेयर्स परचेज किए हैं। अब इनको जब अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो उसे कितना डिविडेंड मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर 200, डिविडेंड कितना 18% डिवाइड बाय 100, नॉमिनल वैल्यू कितनी 25। अब आपको बताना है कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर 100 से 20 से 20 कैंसिल, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 to 50, और 50 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, 85 900 आ जाएगा, 85 90 होते तो 900 आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो हो जाएगी 50 की, 900 रुपीज़ ये आ गया। अब देखो लास्ट में, ये तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है इसमें, कि द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जिसने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की थी, अब उसका परसेंटेज कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ है इसका, ये भी 900 हो गया, 700 से 900 हो गया, पहले से 700 मिल रहा था उसका रिटर्न, अब कितना मिल रहा है 900, तो कितना इंक्रीज हो गया, 900 माइनस 700 200 इंक्रीज हुआ इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का परसेंटेज किस पर फाइंड करना है आपको, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी हमारी कितनी 8000 की, 8000 की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी, इस पर ये आपसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, करो आप इसमें 200 डिवाइड बाय 8000 इंटू में 100, यहाँ पर 20 से 20 से 10 से 10, यहाँ पर कितना आ रहा है, अगर आप इसको 8 से कैंसिल कर रहे हो, यहाँ आ रहा है ये 8 to 16, 5 मिलेगा, पॉइंट डाएंगे 5, तो 8 5 40, तो 2.5% ये हो जाएगा इसमें, तो यहाँ जाएगा 2.5%। ओके, तो ये होगा इसमें हमारा सिंपल 2.5% सी वाला पार्ट। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट है हमारा। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शन है, ए प्लस 3b प्लस में रूट ए माइनस 3b डिवाइड में क्या है, रूट में ए प्लस 3b और यहाँ माइनस और रूट में ए माइनस 3b, देन प्रूव करना है आपको, देन प्रूव क्या प्रूव करना है, 3bx² - 2ax और ये प्लस 3b,
इक्वल्स टू में कितना, जीरो। ये इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सिंपल आप इसमें क्या करोगे, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन ही हमारा। तो देखते हैं इसमें अब हम कैसे करना है इसको, तो सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे इसमें क्या करेंगे भाई, यहाँ पर वन है, अप्लाई कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो करो, इससे होगा क्या कि भी वैल्यू सिंपल हो जाएंगे हमारी। तो इसमें भी करते हैं, हमसे डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अप्लाई कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे एक्स के प्लस के, एक्स के डिवाइड में वन है तो जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, और इधर ये वाली वैल्यू जो है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर न्यूमिनेटर में प्लस हो जाएगी, तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस होने के बाद ए प्लस थ्री बी और माइनस ए माइनस थ्री बी। फिर डिवाइड में क्या लेंगे, ए प्लस थ्री बी प्लस रूट में ए माइनस थ्री बी, फिर माइनस अगर हम करेंगे इस वाली वैल्यू को तो यहाँ माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस में ए प्लस थ्री बी और ए माइनस माइनस प्लस ए माइनस थ्री बी। नाउ कैंसिल करेंगे, देखो ये माइनस में और ये प्लस में सेम वैल्यू कैंसिल, ये माइनस में और ये प्लस में सेम वैल्यू कैंसिल, एक्स प्लस वन इधर और इधर कितना एक्स माइनस वन इक्वल्स टू में देखो सेम वैल्यू, तो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री बी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इस पर रूट क्यों नहीं हटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है, अगर रूट टू प्लस रूट टू है ना तो वो रूट टू नहीं होगा, वो होगा टू रूट टू, क्योंकि क्या है वन रूट टू और वन रूट टू। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि वन एक्स और वन एक्स कितना हो जाता है, टू एक्स हो जाता है जैसे, और एक्स जगह क्या ले सकते हैं हम रूट टू, ऐसे ये सेम, अगर वो प्लस है तो ट्वाइस हो जाएगा, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई होते रूट टू इंटू रूट टू तो ये टू हो जाता, क्यों बेस सेम पावर हाफ है, हाफ हाफ वन हो जाती, ये ऐसे समझ सकते हो आप इसे ना। अब इसमें देखते हैं इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, इसमें भी ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा ए माइनस थ्री बी, टू से टू कैंसिल करेंगे इसको, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये एक्स प्लस वन और यहाँ पर कितना है एक्स माइनस वन। देखो अब यहाँ पर आ रहा है हमारा रूट ए प्लस थ्री बी एंड यहाँ पर क्या आ रहा है ए माइनस थ्री बी। अब क्या कर सकते हैं इसमें बताओ, क्या इसको डायरेक्ट सॉल्व करें या फिर अगेन कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज़ करें। देखो अगेन कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज़ करोगे ये आ जाएगा सेम वैसे ही। अब इसमें करेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पहले, क्यों, क्योंकि हम हटाएंगे रूट, क्योंकि रूट आए देखो प्रूफ में हमारे कहीं भी रूट नहीं है तो भी विदाउट रूट वाली वैल्यू आनी चाहिए। कैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे इन पर आ जाएगा स्क्वायर, आप इंडिविजुअल स्क्वायर ले सकते हैं दोनों पर, क्योंकि इस पर अगर होल स्क्वायर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी, इन पर होल स्क्वायर लेंगे तो इनसे हट जाएगा रूट, रूट रिमूव होगा यहाँ से ए माइनस थ्री बी। ओके अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा सिंपल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके। अब इसमें अगेन आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप ऊपर ये वाली वैल्यू प्लस करोगे तो फिर ये सोल्व हो जाएगा। कैसे देखो आप अगेन, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे अगेन अप्लाई कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो, देन क्या होगा यहाँ पर हमारा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, फिर डिवाइड में एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू में, अब इसको सोल्व करेंगे ए प्लस थ्री बी और यहाँ पर प्लस ए माइनस थ्री बी, डिवाइड में ए प्लस थ्री बी और माइनस में ए माइनस थ्री बी, ये हो गया सिंपल। अब करेंगे इसको सोल्व, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस। देखो जब हम माइनस करेंगे तो इन सभी में क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन क्या करता है अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज कर देता है। देखो अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यूज़ करते हैं तो ये आती सभी वैल्यू a प्लस में, a प्लस में, a माइनस में, लेकिन माइनस साइन बाहर है तो ये सभी वैल्यूज चेंज होगी, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू भी माइनस में, बस ये थर्ड वाला जो 2x है ये हो जाएगा प्लस में क्योंकि ये माइनस में था। अब इसको सोल्व करोगे देखो a प्लस थ्री बी प्लस a एन माइनस थ्री बी और यहाँ पर करोगे आप a प्लस थ्री बी, देखो जैसे इसमें माइनस साइन से चेंज हो गए ना, माइनस का हो गया अभी प्लस का हो गया, इसलिए जब कभी भी बाहर माइनस साइन होता है तो वो चेंज कर देता है अंदर वाली वैल्यूज के साइन। अब यहाँ पर देखो क्या कैंसिल हो रहा है, टू एक्स से टू एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वन से वन, यहाँ एक्स स्क्वायर कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर और वन टू, डिवाइड में
यहाँ पर 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3b से 3b कैंसिल, और a से ये a कैंसिल, यहाँ a और a कितना हो गया 2a, और यहाँ पर 3b और 3b कितना हो गया यहाँ पर 6b। नाउ इसमें से 2 कॉमन ले लो आप, जैसे इसको कैंसिल कर सकते हो 3 टाइम्स में, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर आएगा 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर आ रहा है 4x इक्वल्स टू हमारा a और डिवाइड में 3b, 2 से कैंसिल कर लो 2 2 जब 4, तो यहाँ पर मिला हमें क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x, और यहाँ पर a अपॉन में 3b। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या कर लो 3b इक्वल्स टू में 2ax, 3b की मल्टीप्लाई करो 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3b इक्वल्स टू में 2ax। क्या कुछ ऐसा ही प्रूफ आ रहा है क्या, चेक कर लो आप, 3b एक्स स्क्वायर आ रहा है, 2ax इधर आकर माइनस का, और 3b इक्वल्स टू में 0। ओके, तो आप इसको अगर इधर कर रहे हो देखो इन सभी वैल्यू को, यही हमारे पास आ रहा है 3b एक्स स्क्वायर 2ax और प्लस 3b इक्वल्स टू में कितना 0, यही करना है हमें प्रूफ में। ये हो गया हमारा सिंपल हैंस प्रूफ, ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे हम अपना। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। अगर वो 3 कॉइन का केस है तो भी कितने आउटकम्स बनते हैं सैंपल स्पेस में, कितने आउटकम्स बनेंगे 8। क्यों? क्योंकि कॉइन को हम कैसे डिसाइड करते हैं भाई, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 2 की पावर n, 3 कॉइन से तो 3 तो 8 कैसे बनते हैं। कि आप ऐसे कर लो कि सभी हेड ले लो, ऐसे कर लो कि फर्स्ट कॉइन पर हेड हो और दोनों पर टेल हो। अब ये जरूरी नहीं है हेड फर्स्ट पोजीशन पर हो, ये सेकंड पोजीशन पर भी हो सकता है, तो इस हेड की पोजीशन को चेंज कर दो बस, सेकंड पोजीशन पर हेड, इस बार थर्ड पोजीशन पर हेड। फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई दो टेल हो एक ही, मतलब दो हेड हो एक टेल हो, इस बार एक टेल ले लो दो हेड ले लो। अब इस टेल की पोजीशन को चेंज कर दो, हेड टेल हेड और हेड हेड टेल, और यहाँ पर फिर ऑल टेल भी हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज बनती है हमारी 3 कॉइंस के अंदर। नाउ अब इसको चेक करते हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि भी क्या है हमारा एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली 2 हेड के लिए आप क्या करोगे भाई, 2 हेड किस किस में आ रहे हैं चेक करो, 2 हेड 2 हेड और 2 हेड, 3 आउटकम्स हैं टोटल जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड है आउट ऑफ 8 में से, तो 3 अपॉन 8 ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। बी में क्या कहती है प्रोबेबिलिटी कि एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एट लीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट क्या है हमारा 1 हेड है ये बताना है। तो 1 हेड एटलीस्ट 1 हेड, इसमें एटलीस्ट 1 हेड है, कम से कम एक हेड हो, एटलीस्ट का मतलब समझो कि भी कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं पर कम से कम एक जरूर हो। जैसे ये कि भी इसमें क्या है हमारा कम से कम एक है, कम से कम एक, अब ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, दो भी हो सकते हैं, मीन्स ये वाला भी आ जाएगा इसमें, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी, ज्यादा से दो ज्यादा से तीन भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक जरूर रहे। इसका मींस टोटल आ रहे हैं हमारे पास 7 आउट ऑफ कितना 8, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, अब देखो इसके सी पार्ट में क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड, इस बार क्या कह रहा है कि भाई एटलीस्ट क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, मीन्स कि कम से कम दो हेड हो, दो से हेड कम नहीं होने चाहिए। जैसे दो हेड किसमें हमारे पास, तो इन वाले केसेस में कम से कम दो हेड है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम वाली कंडीशन देता है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा इसमें ये भी ले सकते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 फोर कंडीशंस होंगी, मतलब फोर आउटकम्स होंगे टोटल 8 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। ये होता है इसमें एग्जैक्टली एटलीस्ट एटमोस्ट, अगर वो एटमोस्ट कह देता कि भाई एटमोस्ट 2 हेड बोल देता, वो क्या बोल देता एटमोस्ट 2 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा दो हो, कम से कम एक भी हो सकता है, और एक भी ना हो वो भी चलेगा, तब इसका आंसर तब भी कितना आता 7/8 आता, बात समझ रहे हो ना। कह देता वो एट मोस्ट 2, तो ज्यादा से ज्यादा दो हो, कम एक भी हो सकता है, और एक भी ना हो तब भी चलेगा, तो 7/8 होता है इस केस में। तो ये केस होता है हमारा एटलीस्ट और एटमोस्ट का। नेक्स्ट देखेंगे इसमें इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का जो nth टर्म है वो गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है एपी का nth टर्म, एपी का nth टर्म ऑफ एपी क्या है हमारे पास, nth टर्म ऑफ एपी हमारे पास 2n प्लस 1। तो ये nth टर्म बनाने का फॉर्मूला, आप इससे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म कोई भी टर्म बना सकते हो। अब कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, और आपसे क्या बोल रहा है एस एन फाइंड करने के लिए बोल रहा था, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे,
तो अगर वो n टर्म्स का ही सम बोल रहा है तो भाई n की वैल्यू तो हमें पता चल गई n ही रखनी है, बस a और d की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे कि अगर हम ये रखते हैं a 1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 और प्लस 1 तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 a 1 की वैल्यू। a 2, a 2 में क्या रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 तो 2 टू 4 और 1 5 तो d कितना हो जाएगा हमारा a 2 माइनस a 1 होता है तो d हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा 5 माइनस 3 2 तो d हो जाएगा 2। सिंपली एस एन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। तो बस इसमें सिंपली हम क्या करेंगे ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि और वैल्यूज हमारे पास है नहीं, एन है नहीं, तो हमें एस एन मिल जाएगा। ए की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर थ्री लेंगे, ए की वैल्यू थ्री है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू टू है हमारे पास, सोल्व कर लो इसे एन अपॉन टू यहाँ पर कितना हो जाएगा सिक्स प्लस टू एन और यहाँ पर माइनस टू। ओके अब कर लो इसे सोल्व एन अपॉन टू यहाँ पर कितना हो जाएगा सिक्स माइनस टू तो यहाँ पर हो गया टू एन प्लस फोर यहाँ पर तो हो गया हमारा टू एन और सिक्स माइनस टू फोर। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें से टू कॉमन लेंगे, इन दोनों में से टू कॉमन लेंगे तो एन प्लस टू, टू से टू कैंसिल, एस एन का फॉर्मूला या फिर एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एन एन प्लस टू, ऐसे ही छोड़ सकते हो आप इसे या एन स्क्वायर प्लस टू एन लिख सकते हो, यही होगा इसमें एस एन सिंपली। तो ये हो गया हमारा इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फाइव चल रहा है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर फाइव में थर्ड पार्ट देखो आप क्या बोल रहा है इसमें। देखो इसका थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट पी, एक स्ट्रेट लाइन जो पासिस करती है किस पॉइंट पी और क्यू से, तो मीन्स इस स्ट्रेट लाइन पर टू पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू। पी पॉइंट हमारे पास माइनस वन कोमा फोर एंड क्यू पॉइंट हमारे पास फाइव कोमा माइनस टू। अब क्या बोल रहा है इट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी, और ये ए बी को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कट करती है, एम इसका मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ए बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं, मीन्स ये भी कुछ इस टाइप से है, ये कुछ इस टाइप से है कि भाई एक अगर हम एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस, तो इस पर जो पी क्यू कट कर रही है ए बी को वो किस पॉइंट पर कट कर रही है, ए को इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को ए पर और वाई एक्सिस को बी पर कट कर रही है लाइन, एक्स एक्सिस को ए पर और वाई एक्सिस को बी पर कट कर रही है ये बोल रहा था। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वो होगा हमारा ए कोमा जीरो क्योंकि उसमें वाई जीरो होगा ऑलवेज, और वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होगा तो इसे ले लेते हैं हम जीरो कोमा बी। अब इसी पर ये पॉइंट है पी और क्यू, पी हमारा पॉइंट है क्या माइनस वन कोमा फोर एंड क्यू हमारा पॉइंट है फाइव कोमा माइनस टू, तो ये हमारा फाइव कोमा माइनस टू। ओके अब यहाँ पर देखो आप क्या बोल रहा है कि भाई किसकी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे पास टू पॉइंट्स हैं, टू पॉइंट्स हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट टू पॉइंट फॉर्म लगा दो या फिर आप क्या कर सकते हो पहले स्लोप फाइंड कर लो फिर कर लो। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको एक्स वन और वाई वन और इसको एक्स टू और वाई टू ले रहे हैं, देन हम क्या कह सकते हैं इसमें एम निकाल लो पहले अलग से, वाई टू माइनस वाई वन ये होता है फॉर्मूला एम निकालने के लिए, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू की वैल्यू माइनस टू माइनस वाई वन की वैल्यू फोर डिवाइड बाय एक्स टू की वैल्यू फाइव माइनस एक्स वन की वैल्यू माइनस वन इक्वल्स टू में ये होगा माइनस सिक्स और डिवाइड में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा सिक्स, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन, एम की वैल्यू माइनस वन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ पी क्यू कितनी हो जाएगी, देन इक्वेशन ऑफ पी क्यू होगी हमारी वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू में एम एक्स माइनस एक्स वन, ये करते हैं तो आप y माइनस वाई वन के प्लेस पर आप ये वाली वैल्यू ले सकते हो फोर m m के लिए माइनस वन और एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन के लिए ये होगा हमारा। तो माइनस इसमें भी यहाँ माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये सिंपल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y माइनस फोर यहाँ पर माइनस एक्स और ये माइनस वन, तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर x को इधर लेके आओ x प्लस वाई माइनस वन इधर लेके आ जाओ या फिर फोर इधर लेके आ जाओ आप माइनस वन प्लस फोर, तो यहाँ पर x प्लस वाई और आप क्या कर दो यहाँ पर इक्वल्स टू में थ्री, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। अब देखो आप इसमें क्या हो जाएगा बी पार्ट क्या होगा, ये इसका ए पार्ट हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू आ गई। बी पार्ट में बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे आप। तो देखो अगर ये लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन ये है, तो अगर ये लाइन हमारी ए से भी पास हो रही तो भी ए जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा इसे, तो अगर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री लाइन की इक्वेशन है, तो अगर ये जो पॉइंट है हमारा ए कोमा जीरो इस पर लाई करता है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, मीन्स एक्स के प्लेस पर ए और वाई के प्लेस पर जीरो इक्वल्स टू थ्री, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री।
ये हो जाएगा इसमें हमारा। एंड अगर हम क्या करेंगे भी x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री लाइन को ऑल्सो हम सेटिस्फाई कराएं किस वाले पॉइंट से, ये जीरो कोमा बी, जीरो कोमा बी, तो x के प्लेस पर जीरो, y के प्लेस पर b इज इक्वल टू थ्री, तो यहाँ पर b की वैल्यू भी थ्री होगी। तो इसका मीन्स भाई a के कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे हमारे थ्री कोमा जीरो, एंड b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे b पॉइंट के जीरो कोमा थ्री। ये करना है सिंपल। नेक्स्ट में इसमें क्या कह रहा है, इसका b पार्ट हो गया, इसमें कह रहा है c में द मिड पॉइंट ऑफ m, m क्या है, m है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए बी, ए बी का मिड पॉइंट m, मीन्स a और b के मिड में आ रहा है, तो आप a और b से मिड पॉइंट निकाल सकते हो उसका। तो मिड पॉइंट m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर m के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3 बाय 2 एंड 3 बाय 2। बस ये करना था इसमें c पार्ट में सिंपल। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट, ये था इसमें फिफ्थ क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन इसमें करेंगे, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।